सेल्यूलाइट उस डिम्पल स्किन को कहते हैं जो कि थाई एरिया में या स्टमक एरिया पे डेवलप हो जाता है। जैसे डिम्पल होता है अंदर को धसी हुई स्किन, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है। लेडीज़ को ये इशू होता है, उसी के लिए हमारे पास रोलर बॉल्स वाला ऑप्टिमल्स एंटी सेल्यूलाइट जेल है। इसका कवर रिमूव करके आप रोल जब करेंगे, बिल्कुल जैसे आपका डिओड्रेंट रोल ऑन होता है, तो इसी के उभरे हुए जो तीन डॉट्स हैं उसके ज़रिए मसाज हो जाएगा। थोड़ा सा उस एरिया को खींच के लगाएंगे और बाद में जब ये जेल लग जाए तो बाद में बेहतर है कि अपने हाथ से सर्कुलर मोशन में आप उसको जस्प करें, बिल्कुल जैसे मालिश की जाती है। क्योंकि मालिश से जो हिद्दत पैदा होगी उससे आपकी स्किन और जो सेल्यूलाइट की तहें हैं वो थोड़ा हिलेंगी और डेप्थ में जाके ये बॉडी जेल एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इससे बेहतर ज़्यादा ही होगा कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं या थोड़ी सी एक्सरसाइज करके करें, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी उस पोर्शन में। एंड सेल्यूलाइट जेल के क्लेम्स में है कि ये फैट भी बर्न करता है, इसमें से पार्टिकल्स मौजूद हैं जो आपके फैट को बर्न करते हैं। ब्लड की माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी एंड सेल्यू स्मूथ कॉम्प्लेक्स की वजह से टोन नज़र आएंगी, शेप्ड अप नज़र आएंगी लेग्स एरिया, थाई एरिया या कहीं भी और आपको सेल्यूलाइट का इशू है। इसके रिव्यूज़ में मेंशन है कि आप इसे 21 दिन तक यूज़ करें तो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। क्या ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं, इसका कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं है, लेकिन हमारे कस्टमर्स ने हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही दिया है कि ये स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा हमारे पास है ऑप्टिमल्स बॉडी फॉर्मिंग लोशन। ठीक है, ये तो जैसा समझ आ रहा है, जितनी भी लटकी हुई जल्द होती है आपकी, ठीक है, अब ये आर्म्स के नीचे हो गया एंड स्पेशली ये डबल चिन, जो आपकी चिन के नीचे जो डबल सा होता है जिसकी वजह से आपका नेक भी विजिबल नहीं होता, छोटा लगने लगता है, वो वाली जगह थाइस से लूज़ हो रहा है एंड स्पेशली बेली फैट जिसका हमेशा सबको इशू रहता है, कंधे के पीछे गोश सा आ जाता है, इवन न्यू मदर्स को इशू होता है। और आदमी भी ये यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वो जो जिम जाते हैं, एज की कोई कैद नहीं है। ज़ाहिर बात है ढलकनी स्किन तभी शुरू होती है जब आप 30 से ऊपर हो जाते हैं या अगर आप मैरिड हैं और न्यू मदर हैं तभी आपको ये इशू होता है, तो उसके लिए जो है ये बेस्ट है। अगेन ये दोनों बॉडी लोशंस, अगर जितना जिस्म एक्टिव होगा, जितना स्वेट निकलेगा उसके साथ साथ ये जेस्ब होगा, हीटेड अप बॉडी में ज़्यादा बेहतर वर्क करेंगे, ज़्यादा जल्दी असर आएगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करें तो मसाज प्लीज़ इस तरह करना है कि गर्माइश पैदा हो। ठीक है, जैसे हम फेस क्रीम लगाते हैं थपथपाते हुए, ऐसे नहीं करना, अच्छी तरह सर्कुलर मोशन से, जैसे हम सर की चंपी करते हैं ना समझ लें, वैसे ही सर्कुलर लोशन से खींच खींच के जहाँ जहाँ स्किन लटकी हुई है आपने मसाज करना है या किसी से करवा लीजिए ताकि जल्दी और बेहतर रिजल्ट हो। बॉडी फॉर्मिंग लोशन मैंने बता दिया, बॉडी फॉर्मिंग लोशन भी स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ होता है। एंड आपने स्टार्ट यही करना है कि डबल चिन पे या कंधों पे जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट है वहाँ पे आप ये करके इसको टाइट करें ताकि लटकी हुई जल्द ना हो। क्या ये दोनों बॉडी फैट लूज़ करने के लिए, तो ये बात याद रख लीजिए, अगेन मैं कहूँगी कि सेल्यूलाइट जेल पे लिखा है कि यस वो ब्रेक डाउन करती है आपके फैट के डिपॉजिट्स को थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एक जो होता है ना बहुत किलो किलो का वज़न लूज़ करने वाला, ये सीन नहीं हो। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ ढलकी हुई सी एक्स्ट्रा सी होती है पाउच सी, तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। बाकी के लिए ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज के साथ अच्छी डाइट के साथ यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ स्किन खींचेगी वहाँ वहाँ मतलब यही हो रहा है कि आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न हो रहा है, ज़ायल हो रहा है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो अगेन हमने एक्सरसाइज के साथ यूज़ करना है, जिम वैसे ही आज औरतें काफ़ी कर रही हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस हो रही हैं, तो उनको आपने ऑलमोस्ट ये दोनों ही रेकमेंड कर देने, उनके आगे पीछे दोनों काम आएंगे, स्ट्रेच मार्क्स के लिए, बेली फैट के लिए, टाइटनिंग के लिए एंड स्पेशली सेल्यूलाइट के लिए हमारा सेल्यूलाइट जेल। कीमत इन दोनों की बहुत ही मुनासिब है, आप देख सकते हैं मैंने मेंशन भी की हुई है, और अराउंड 1650 का बॉडी लोशन है और 1550 का एंटी सेल्यूलाइट जेल है, तो तकरीबन 3100 रुपये में दोनों चीज़ें आ जाएंगी कस्टमर्स के लिए, एंड आप उनको फर्दर डिस्काउंट दे सकते हैं अगर आप कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ सीनियर गोल्ड डायरेक्टर नौशीन इस्लाम।